ओवरलोड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए आरटीए विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मार्च और अप्रैल में विभाग ने ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए जहां 627 वाहनों के चालान काटे तो वहीं उनसे 2,10,000 का जुर्माना किया गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ओवरलोड किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे एक तो सड़क हादसों के ग्राफ में कमी आई है, साथ ही सभी ट्रांसपोर्टर्स को कहा गया है कि वो अंडरलोड ही चलाएं जिससे कि कोई सड़क हादसा भी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हम ओवरलोड को पूरी तरह बंद करवाएं। इसके लिए निरंतर चेकिंग और चालान किए जा रहे हैं। सड़कों पर यमदूत बनकर दौड़ने वाले ओवरलोड वाहनों की रफ्तार को थामने के लिए आरटीए विभाग लगातार चालान कर रहा है और जुर्माना वसूला जा रहा है। आरटीए विभाग के सहायक सचिव इंस्पेक्टर पून सिंह ने बताया कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दिशा निर्देश अनुसार हम ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई कर रहे हैं। मार्च और अप्रैल में हमने 627 ओवरलोड वाहनों के चालान किए और लगभग 2,10,000 का जुर्माना वसूला। हमारे आदरणीय श्री अमिताभ ढिल्लो जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा के दिशा निर्देश अनुसार हमने माह अप्रैल में 627 वाहनों के चालान किए हैं और लगभग 2,10,000 रुपये जुर्माना किया है। चेकिंग आगे जारी रहेगी और हमारा ट्रांसपोर्टरों से निवेदन है कि वो अपने वाहनों को अंडरलोड ही चलाएं। इससे जनता की सुरक्षा भी रहेगी और उसके वाहन की भी बचत होगी, ट्रांसपोर्टेशन में सभी को लाभ मिलेगा। जो ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो मौतें हो रही हैं, उनका ग्राफ बहुत कम आ रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरलोड गाड़ियां चलने भी लगी हैं। लगातार जारी रहेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि बिल्कुल ओवरलोड बंद हो और सुचारू रूप से यातायात चले। यमुनानगर से सुमित ओबराई की रिपोर्ट।